हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जे। हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट की, वेस्ट इंडीज क्रिकेट की एक हाथ में की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट ना सिर्फ शर्मशार हुआ है, ना सिर्फ शर्मनाक हुआ है, बल्कि हो सकता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट खत्म हो चुका है, क्योंकि 7 साल में तीसरी बार ये बाहर होने वाले हैं किसी भी ICC टूर्नामेंट से। ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी का वो साल रहता है 2017, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उठाता है उस साल, लेकिन उस साल वेस्ट इंडीज उस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होता है। चलिए, हालांकि वहां पर 8 टीमें थी, वहां पर चलिए नहीं क्वालिफाई कर पाए, किसी भी कारण से आप बाहर हो गए। लेकिन बड़ा मौका तब आता है जब 2022 पिछले ही साल, जिसको बादशाह कहते थे वेस्ट इंडीज को, एक टाइम पे T20 का बादशाह कहा जाता था, और बहुत ज़्यादा दूर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये आज से कुछ 6 साल पहले की बात है, जब 2016 में वेस्ट इंडीज ने वो ट्रॉफी उठाई थी और चैम्पियन बने थे। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, वो लफ्ज जो है लोगों की जुबान में अभी तक जिंदा है। वहां पर लोगों ने सोचा कि ये T20 के बादशाह हैं, ये T20 के किंग हैं। लेकिन कहानी आते आते 6 साल बाद 2022 में आप देखेंगे कि ये सेम टीम होती है जो क्वालिफाई तक करने में कैपेबल नहीं होती है T20 वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद 2023 का T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पर जब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत ही हुई थी 1975-1979, ये पहले 2 वर्ल्ड कप उसी वेस्ट इंडीज टीम ने उठाए थे, और ये सामने आप देख भी सकते हैं किस तरह से क्लाइव लाइड बिल्कुल सर जो है अपना शान से ऊंचा किए हुए ट्रॉफी को हाथ में लिए हुए हैं। जबकि आज की वेस्ट इंडीज क्रिकेट को देखिए, जिन्होंने कल मैच हारा स्कॉटलैंड के अगेंस्ट और बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, किस तरह से कंधे शर्म से झुके हुए हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हो गया, और ये 7 साल में वेस्ट इंडीज तीसरी बार बाहर हो गया, और ना सिर्फ तीसरी बार, इन्होंने रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ये पहला वो नेशन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और फिर खुद क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इससे पहले कोई ऐसी टीम नहीं थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हो और क्वालिफाई ना कर पाए हों उसी वर्ल्ड कप के लिए। और एक और बड़ा रिकॉर्ड ये है कि वेस्ट इंडीज पहली बार आपको 50 ओवर वर्ल्ड कप में नहीं दिखाई देगी। इससे पहले जितने भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए हैं, वहाँ पर साफ तौर पर आपको वेस्ट इंडीज की टीम की प्रेजेंस नजर आई है, लेकिन यहाँ पर वेस्ट इंडीज आपको नहीं नजर आएगी। यहाँ पर आप दूसरी टीमों को देखोगे, उनकी जगह पे आप जिम्बाब्वे को देखोगे। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का ये बहुत बड़ा डाउनफॉल था, जो कि अब पता नहीं कब खत्म होगा, और बड़े बड़े दिग्गजों की भी राय आई है इसमें। अगर बात करें गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर ने कहा है कि आई लव वेस्ट इंडीज क्रिकेट, मैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूँ। और उनका तो ये भी मानना है कि वेस्ट इंडीज अभी भी नंबर 1 बन सकती है, उनमें वो काबिलियत है, वो क्षमता है कि वो नंबर 1 बन सकते हैं, लेकिन किस तरह से अब वो निकल के आएंगे इससे वो देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, व्हाट अ शेम, ये बहुत ही शर्मनाक है कि और ख़ास तौर पर जिस उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर साफ तौर पर देखा कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंट सब कुछ नहीं होता, आपको परफॉर्मेंस में बदलना होता है। क्रिकेट एक टीम गेम है, आपको टीम के तौर पर आगे आना होगा, पॉलिटिक्स को गेम से दूर ले जाना होगा। तो ये कुछ कहा है वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने वेस्ट इंडीज़ की हार के बाद। आप किस तरह से देखते हैं वेस्ट इंडीज़ की हार को, बताइएगा हमें ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट खत्म हो रहा है, ये देख के काफ़ी बुरा लगता है। जो टीम बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीती हो शुरुआत के, और फिर उसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तक ना कर पाई हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा उस टीम के लिए, उस क्रिकेट टीम के लिए।